Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about Guna Dosa Theory. So let's start. Daṇḍin was the प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी कि बोला जाता है Daṇḍin जो है इस थ्योरी के प्रोपाउंडर है यानी फाउंडर है. इस थ्योरी को फॉर्म किया था उन्होंने. गुना का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ गुड राइटिंग की मतलब कि अच्छी राइटिंग की क्या विशेषताएं हैं. थिंग्स टू इनकॉर्पोरेट इन अ पीस ऑफ लिटरेचर कि वो चीज़ें जो कि लिटरेचर के एक वर्क में इनकॉर्पोरेट की जाए यानी कि मतलब उन चीज़ों का जो है यूज़ करके लिटरेचर को जो है ब्यूटीफुल बनाया जाए. इन ऑर्डर टू मेक इट ब्यूटीफुल गुना मीन्स क्वालिटी ऑफ गुड राइटिंग. थिंग्स टू इनकॉर्पोरेट इन अ पीस ऑफ लिटरेचर इन ऑर्डर टू मेक इट ब्यूटीफुल. देन दोसा मीन्स फ्लॉज. दोषा का मतलब क्या होता है? फ्लॉज दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड. कि जब भी Daṇḍin बोलते हैं कि जब भी तुम पोइट्री लिखो सो दोषा यानी फ्लॉज को अवॉइड करो पोइट्री लिखते समय. वी यूज़ फिगर्स ऑफ स्पीच टू डिस्क्राइब समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू पोएम. कि Daṇḍin बताते हैं कि जो हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं तो हम जो है उसके थ्रू पोइट्री के अंदर डिस्क्राइब करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में. देन वो बताते हैं Daṇḍin बताते हैं रसा इम्पार्ट्स स्वीटनेस टू पोएट्री. कि रसा जो है पोएट्री में मिठास लाते हैं. Daṇḍin वॉज फॉलोवर ऑफ भामाहा एंड भरता मुनि. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि Daṇḍin वॉज द फॉलोवर ऑफ भामाहा एंड भरता मुनि. भामाहा ने कौन मतलब भरता मुनि ने जो है रसा थ्योरी दी थी एंड भामाहा ने जो है अलंकारा थ्योरी दी थी. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. एंड Daṇḍin हैज़ गिवन दिस थ्योरी कि मतलब Daṇḍin ने जो है इस थ्योरी गुना दोषा थ्योरी के बारे में लिखा है इन हिज टेक्स्ट काव्यादर्शन. प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ दिस बुक. Daṇḍin हैज़ गिवन दिस थ्योरी इन हिज टेक्स्ट काव्यादर्शन. दिस बुक टॉक्स अबाउट Daṇḍin. मतलब इस बुक में जो है Daṇḍin के व्यूज़ के यानी विचारों के बारे में बताया है कि गुना और दोषा क्या होते हैं पोइट्री के अंदर. देन Daṇḍin सेज रसा इज़ द सोल ऑफ पोइट्री. कि Daṇḍin का कहना है कि रसा जो कि इमोशंस होते हैं वो पोइट्री की सोल है. एंड पोइटिक एक्सीलेंस ऑफ गुनास. एंड बताया जाता है Daṇḍin बोलते हैं रसा जो होते हैं वो पोइट्री की सोल है और साथ ही साथ उससे जो है पोइटिक एक्सीलेंस ऑफ गुनाज आर द एंड बोला जाता है कि पोइटिक एक्सीलेंस ऑफ गुनाज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रसा. कि मतलब जिस हिसाब से जो है पोइट्री एक्सीलेंट बनती है सो वो कैसे मतलब क्रिएशन होता है एक एक्सीलेंट पोइट्री का. वो तब होता है जब रसा की प्रॉपर्टीज़ को ढंग से फॉलो किया जाता है. तब जो है मतलब एक्सीलेंट पोइट्री का क्रिएशन होता है अकॉर्डिंग टू Daṇḍin. देन Daṇḍin डिफाइंस पोइट्री एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. Daṇḍin बोलते हैं कि पोइट्री कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का और कन्वेइंग डिज़ायरेबल सेंस. और पोइट्री के थ्रू जो है हम डिज़ायरेबल सेंस को कन्वे कर सकते हैं और वो जो डिज़ायरेबल सेंस होती है वो गुना पर बेस्ड होती है. एंड देन Daṇḍin के अकॉर्डिंग 10 गुनाज होते हैं. 10 गुनाज जो है Daṇḍin ने बताए हैं. एंड फिर वो बताते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड पोएटिक डिक्शन इज़ ब्रॉट इन टू बींग थ्रू द मिक्सचर ऑफ गुनाज. कि मतलब बताया गया है कि मतलब अलग पोइट्री के अंदर जो है कि मतलब वर्ड्स मतलब सेलेक्ट करके जो है पोएट जो है उसमें डालता है और साथ ही साथ पोएटिक डिक्शन को ऐड करता है जो कि एडमिक्सचर है गुनास का. देन गुना बीइंग द एसेंशियल टू रीति. गुना जो है रीति के लिए एसेंशियल है. दे आर इनसेपरेबल प्रॉपर्टी ऑफ पोएट्री. और बोला जाता है गुना जो है इनसेपरेबल पार्ट है पोएट्री का अकॉर्डिंग टू Daṇḍin. देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है. अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर लिखें. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग.